इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज की खसूसी पेशकश में आपका इस्तकबाल है और आज हम बात करते हैं एक नए उन्वान उम्मत मुस्लिमा की असल जिम्मेदारी क्या है, इस पर हम बात करते हैं। हजरतुल विदा के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अजमईन से खिताब करते हुए फरमाया कि क्या मैंने तुम तक दीन को पहुंचाया? सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अजमईन ने जवाब दिया कि आपने पहुंचाया ही नहीं बल्कि इसका हक भी अदा किया। हम सब ये जानते हैं कि अल्लाह ताला के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीके क़यामत तक के लिए काफ़ी हैं। अगर हम इतना ही अगर कर लें तो हमारी नजात के लिए काफ़ी है, लेकिन हम है कि गैर ज़रूरी मामलों में उलझकर उम्मत मुस्लिमा में तफरके का सबब बन रहे हैं। ऐसे मुद्दों में उलझकर तफरका डाल रहे हैं जिनसे जन्नत और जहन्नुम का कोई वास्ता नहीं है। मसलकी इख्तलाफात की वजह से इतना बिगाड़ आया हुआ है कि एक दूसरे को काफिर तक कहने लग गए हैं। सब मसलक और फिरकों के लोगों को पता है कि नमाज फ़र्ज है, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता। सबको पता है कि हलाल कमाना फ़र्ज है, झूठ नहीं बोलना है, ऊंचे अखलाक ऊंचे किरदार का मुजाहरा करना है, हर वो अच्छाई ज़िंदगी में लाना है जिसका हुक्म अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। लेकिन इन सब ज़रूरी बातों को छोड़कर इन सब मसलक के बड़ों ने गैर ज़रूरी मुद्दों में उम्मत को उलझा कर इस्लाम को बड़ा नुकसान पहुँचाने में बड़ा किरदार अदा किया है। हम सब जानते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और इनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, और नबूत के काम की जिम्मेदारी अब उम्मत पर है और इस पर किसी फिरके और मसलक को इनकार नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नबूत वाला काम क्या है? हर मसलकी अपनी जमात के ही काम को असल समझ बैठा है और असल काम को भुला बैठा है। देखा जाए तो ये लोग अपने किए जाने वाले काम में भी 100% नहीं हैं, बल्कि इसमें भी खानापूरी की तरह काम कर रहे हैं। दुनिया भर में मुसलमानों पर आने वाले हालात की असल वजह भी कार नबियत को छोड़ना है। इसी काम को छोड़ने की वजह से हम पर जालिम मुसल्लत हुए हैं, और जालिम को जुल्म पर आमदगी की असल वजह भी हम बन गए हैं। आज का मुसलमान सिर्फ बयान और जलसों तक महदूद रह गया है। बयानों में सहाबा और अलिया इकराम की वाक़ियात सुनना और सुनाना ही दीनी जिम्मेदारी रह गई है। हर कोई दुनिया की मोहब्बत में इतना मुनहमिक हो गया है कि दीन के लफ्जी मायने को भी भूल गया है। अगर दीन के लफ्जी मायने को सही समझकर जिंदगी गुजार ले तो ये जिंदगी गुजारना भी अपने आप में एक दावत होगी। दीन का लफ्जी मायना होता है तर्ज जिंदगी, यानी जिंदगी गुजारने का तरीका। अगर तर्ज जिंदगी अल्लाह ताला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहकामात पर हो तो जिंदगी गुजारना भी इबादत और दीन। हम जिस शोबे में जिंदगी गुजार रहे हैं, चाहे वो तिजारत हो या सियासत हो, वकालत हो या डॉक्टरी हो या और कोई पेशा हो, अगर इस्लामी उसूलों के साथ काम करेंगे तो अपने पेशे में काम करना भी दीन और अपने आप में दावत। लेकिन अफसोस, हम मसलकी इख्तलाफात में इतने उलझे हुए हैं कि असल काम पे पर्दा चढ़ा हुआ है। जिस तरह से दुनिया भर में हालात रूनुमा हो रहे हैं, इसको देखा जाए तो मसलकी इख्तलाफात की कोई गुंजाइश नहीं बनती। हालांकि देखा जाए तो हालात और बिगाड़ की असल वजह भी फ़र्ज हकीकी को छोड़ना है। अफसोस इस बात का भी है कि इतने हालात के बावजूद भी हम असल काम को छोड़कर मसलकी इख्तलाफात में उलझे हुए हैं।
जिनका न आखिरत में सवाल होगा न दुनिया में कुछ फ़ायदा। अब ज़रूरत इकदाम की है, कुछ कर गुजरने की है, जिसके ज़रिए मसलकी नफ़रत को दूर किया जा सके। अहमदाबाद के नौजवानों ने इस जानिब एक कड़ा कदम उठाया है, जहाँ कहीं कोई मुखर्रिर फ़िरक़े वारियत या मसलकी इख्तलाफात की बात करता है तो फौरन कुछ वॉलंटियर्स मोहब्बत से मुखर्रिर को अपनी जगह बिठा देते हैं। फ़ायदा ये हुआ कि ऐसा करने से बहुत हद तक मसलकी नफ़रत वाला माहौल कम हुआ है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम अल्लाह की दी हुई नियामत अखले सलीम का इस्तेमाल करें और किसी के बहकावे और अंधी तकलीद में ना आकर सिर्फ माली के हकीकी का अवाम को तारुफ कराएं और खौल व अमल के ज़रिए दावत की ज़िम्मेदारी निभाएं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।